Hey, y'all, come look at this. मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल यार। सो आज फिर आपका भाई धमाल की वीडियो लेके आ गया जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। एंड भाई आज आपका भाई आपको इतनी खतरनाक वाली जीरो रिकॉइल सेंसिटिविटी सेटिंग बताने वाला हूँ जिसको यूज करने के बाद ना भाई आपका स्कोप नहीं लेगा। अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है या फिर भाई हाई डिवाइस है, ये वाली सेंसिटिविटी सेटिंग भाई आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। एंड भाई इस वाली सेंसिटिविटी को यूज करने के बाद ना आपका स्कोप भाई वहीं का वहीं जमा रहेगा। जैसे जोनाथन भाई भाई चलती गाड़ी से बंदे उतार देते हैं ना, सेम ऐसे ही आपका स्प्रे होने वाला है। एंड भाई ये वाली सेंसिटिविटी सबके डिवाइस में काम करने वाली है। आपके पास ओप्पो रियलमी वीवो रेडमी भाई कोई सा भी डिवाइस हो, इन्फिनिक्स वगैरह कोई सा भी हो, और भी आपकी रैम 2GB 3GB 4GB, या फिर आप लोग जायरो खेलते हो या फिर नॉन जायरो खेलते हो। एंड गाइस अगर आप जायरो खेलते हो उनके लिए भी जीरो रिकॉइल स्प्रे वाली सेंसिटिविटी सेटिंग है, और अगर नॉन जायरो खेलते हो उनके लिए भी परफेक्ट वाली जीरो रिकॉइल सेंसिटिविटी सेटिंग है। ठीक है भाई, दोनों इसको यूज कर सकते हैं, जायरो नॉन जायरो सब कुछ यूज कर सकते हैं। एंड भाई देखो, अगर आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखते हो ना भाई, आप यकीन नहीं मानोगे, आप लिख कर ले लो, आपका स्प्रे भाई जोनाथन भाई की तरह होने वाला है, स्प्रे इधर उधर नहीं हिलेगा। ठीक है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और आप लोग चलती गाड़ी से बंदे उतारने की हिम्मत रख सकोगे, चलती गाड़ी से 1v4 बंदे उतार सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको भी अपने स्प्रे से चलती गाड़ी से बंदे उतारने हैं ना, तो भाई इस वीडियो को सेंसिटिविटी जो आपको बताने वाला हूँ वो पूरे ध्यान से देखना। जैसे आपको बताऊंगा सेम आपको ऐसे ही यूज करनी होगी। एंड के जिसने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे कर देना, उससे क्या होता है जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चले, तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड भाई अब बात कर लेते हैं अपनी जीरो रिकॉइल सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी BGMI में जाना है, और BGMI में जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद गाइस आपके 4 वाले ऑप्शन पर यहाँ पे मिलेगी सेंसिटिविटी सेटिंग। ठीक है, आपको यहाँ पे सेंसिटिविटी पे आना है। सेंसिटिविटी पे आपको ये वाली सेंसिटिविटी जो आपकी होगी डिफॉल्ट, आपको वो वाली यूज नहीं करनी, बट आपको जो अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, आपको इस चीज़ से लेके आपको इस चीज़ तक रखनी होगी, तो वो ही रखनी होगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी कैमरा सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में, जो है 3rd पर्सन नोस्कोप। ध्यान रखना आपको इसको 80 से लेकर के आपको यहाँ पे 95 के बीच रखनी होगी। ध्यान रखना 80 से नीचे नहीं और 95 से ऊपर नहीं। ठीक है, और जो 1 पर्सन नोस्कोप है आपको 1 पर्सन नोस्कोप को नहीं छेड़ना। यहाँ पे मैंने 100 रखा है, यानी कि 100 रखा है, इसको आप लोग भी 100 रख लेना। और जो TPPM है, काफ़ी बंदे TPPM यूज करते हैं, ठीक है, काफ़ी बंदे TPPM यूज करते हैं, तो भाई आपको उनको 30 से लेकर के आपको 40 या 45 के बीच रखना होगा। बट गाइस आपको 40 से 45 से ऊपर नहीं जाना, 30 से 45 के बीच। और जो FPPM है इसको आपको नहीं छेड़ना है, इसको पूरा 20 ही रखना है। ठीक है, जो लोग इसको यूज करते हैं। एंड के जब बात करते हैं रेड डॉट की सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में, गाइस इसको आपको 40 से लेकर के आपको भाई 55 तक के बीच रखना होगा, 40 से नीचे नहीं और 55 से ऊपर नहीं। ठीक है, ये तो होगी भाई आपके भाई थंब वगैरह की सेंसिटिविटी सेटिंग। एंड के जब बात करते हैं भाई 2x वाली सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में, इसको आपको भाई 25 से लेकर के 35 के बीच रखना होगा, 25 से नीचे नहीं और 35 से ऊपर नहीं। ठीक है, और जो 3x वाली सेंसिटिविटी सेटिंग है, इसको गाइस आपको 45 से लेकर के आपको 60 तक के बीच रखना होगा, 45 से लेके 60 तक के बीच रखना होगा, 45 से नीचे नहीं और 60 से ऊपर नहीं। और जो 4x वाली सेंसिटिविटी सेटिंग है, 4x वाली सेंसिटिविटी का जो आपको 20 से लेकर के 30 के बीच रखनी होगी। ध्यान रखना 20 से नीचे नहीं और 30 से ऊपर नहीं। ठीक है भैया, आपको ये अच्छे से हो जाएगी सेंसिटिविटी सेटिंग, ध्यान से देखना। और जो 6x वाली सेंसिटिविटी सेटिंग है गाइस, इसको 20 से लेकर के 35 तक के बीच रखनी होगी, 20 से नीचे नहीं और 35 से ऊपर नहीं। और जो 8x वाली सेंसिटिविटी है, इसको आपको नहीं छेड़नी, इसको आपको पूरा 12 रखनी है, इसकी आपको पूरी 12 रखना है। ठीक है, एंड के जब बात करते हैं भाई अपनी ADS सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में, जो हमारा रिकॉइल कंट्रोल करती है। ठीक है, जो ये मेन सेंसिटिविटी सेटिंग होती है, इसको पूरे ध्यान से देखना, ADS सेंसिटिविटी सेटिंग। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 3rd पर्सन नोस्कोप, ये पूरे ध्यान से देखना, जीरो रिकॉइल इस पर यही मारती है। आपको 80 से लेकर के इसको 105 तक के बीच रखना होगा, ध्यान रखना 80 से लेके 105 के बीच रखना होगा, 105 से आपको ऊपर नहीं जाना,
और जो 1% नोस्कोप है इसको पूरा सो रखना होगा, इसको आपको नहीं छेड़ना। और जो TPP AIM है, TPP AIM गाइज आप लोग इसको 40 ही रखना होगा, ध्यान रखना TPP AIM को गाइज आपको 40 ही रखना होगा, ADS वाली सेंसिविटी वाले को। और जो FPP AIM है इसको भी आपको 20 रखना होगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। और जो रेड डॉट की सेंसिविटी है, अगर आपको चलती गाड़ी से रेड डॉट से बंदे उतारने हैं नॉन जायरो वालों के लिए, तो भाई आपको भाई 50 से लेके 60 तक के बीच इसको रखना होगा, 50 से नीचे नहीं और 60 से ऊपर नहीं। और जो 2x वाली सेंसिविटी सेटिंग है गाइस, इसको आपको 35 ही रखना होगा, 35 से ऊपर नहीं जाना और भाई नीचे नहीं रहना, 35 ही रखना होगा। तो जब बात करते 3x वाली सेंसिविटी सेटिंग के बारे में, अगर आपको चलती गाड़ी से बंदे उतारने हैं इससे 3x से, तो अगर आपको 35 से लेकर के आपको उसको 45 तक के बीच रखना होगा, 35 से नीचे नहीं और 45 से ऊपर नहीं, ठीक है, ध्यान रखना, तभी आपका स्प्रे भाई हैकर जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं 4x वाली सेंसिविटी सेटिंग के बारे में, जिसको आपको भाई 20 से लेकर के 35 के बीच रखना होगा, 20 से नीचे नहीं और 35 से ऊपर नहीं, ध्यान रखना 35 से ऊपर नहीं जाना आपको। और जो 6x वाली सेंसिविटी सेटिंग है, इसको कहा जाए आपको 25 से लेकर के आपको 40 तक के बीच रखना होगा, 25 से लेके 40 तक के बीच रखना होगा, 25 से नीचे नहीं और 40 से ऊपर नहीं। और जो हमारा 8x वाली सेंसिविटी सेटिंग है, 8x वाली गाइज आपको पूरी 12 रखनी होगी, ठीक है, 8x वाली पूरी 12 रखनी होगी, इसको ज़्यादा नहीं छेड़छाड़ करना। अब कहीं बात करते हैं कैमरा सेंसिविटी फ्री लुक के बारे में, जो कि आई बटन सेंसिविटी होती है, आई बटन वाली थर्ड पर्सन कैमरा कैरेक्टर की सेंसिविटी गाइज आपको 120 से लेकर के 140 या फिर 135 रख लेना होगा, ठीक है, आप लोग इसको वैसे अपने हिसाब से रख सकते हो। और जो कैमरा पैराशूटिंग की सेंसिविटी होती है, ये आई बटन से जब काम करती है, जब पैराशूट से लैंड करते हैं, ये 100 रख लेना, और 1% नोस्कोप की 100 रख लेना। अब गाइस बात करते हैं भाई जायरोस्कोप की सेंसिविटी सेटिंग के बारे में, गाइस जायरोस्कोप वालों के लिए ना ऐसी सेंसिविटी सेटिंग बताने वाला हूँ जिसका स्प्रे ना लाइक भाई जोनाथन भाई की तरह होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें जायरोस्कोप की सेंसिविटी थर्ड पर्सन नोस्कोप के बारे में, इसको 400 रख लेना, 1% नोस्कोप को भी 400 रख लेना, इन दो को पूरे ध्यान से देखना, 400 रख लेना। और जो TPPAIM है, TPPAIM को गाइस आपको 100 रखना होगा, ध्यान रखना ये जायरोस्कोप की सेंसिविटी है, ADS जायरोस्कोप की भी बताने वाला हूँ, FPPAIM को भी 100 रख लेना। और जो रेड डॉट की सेंसिविटी सेटिंग है, इसको गाइस आपको 280 से लेकर के 300 के बीच रखना होगा, ध्यान रखना 280 से नीचे नहीं और 300 से ऊपर नहीं, तब जाके आप लोग भाई स्प्रे मार सकते हो भाई चलती गाड़ी से वो बंदे उतारने वाला। और जो 2x वाली सेंसिविटी है, इसको पूरी 280 रखना होगा। और जो 3x वाली सेंसिविटी सेटिंग है गाइस, ध्यान रखना इसको 225 से लेकर के 250 तक के बीच रखना होगा, 225 से नीचे नहीं और 250 से ऊपर नहीं, ठीक है, तभी आपका चलती गाड़ी से बंदे उतार सकोगे 3x से, ठीक है। और जो 4x वाली सेंसिविटी है गाइस, इसको आपको पूरी 200 रखना होगा, तो 4x वाली सेंसिविटी पूरी 200 रखनी होगी। और जो 6x वाली सेंसिविटी सेटिंग है, इसको कहा जाए आपको भाई 100 से लेकर के इसको आपको भाई 120 तक के बीच रखना होगा, 100 से लेकर के 120 तक के बीच रखना होगा, 100 से नीचे नहीं और 120 से ऊपर नहीं। और जो हमारा 8x वाली सेंसिविटी सेटिंग है, इसकी कहा जाए आपको भाई 90 से लेकर के 105 तक के बीच रखनी होगी, 90 से नीचे नहीं और 105 से ऊपर नहीं, ठीक है। सो गाइस ये तो हो गई थी भाई जायरोस्कोप की सेंसिविटी। अब गाइस बात करते हैं जो हमारा रिकॉइल कंट्रोल करेगी जायरोस्कोप वालों का, वो होती है ADS जायरोस्कोप सेंसिविटी, ये पूरी मैन होती है, इसको पूरे ध्यान से देखना। सबसे पहले बात कर ले थर्ड पर्सन नोस्कोप के बारे में गाइस, जिसकी सेंसिविटी आपको पूरी 300 रखनी होगी थर्ड पर्सन नोस्कोप की, और 1% नोस्कोप को भी पूरी 300 रखनी होगी। और जो बंदे TPPAIM यूज करते हैं, इसको पूरा 100 रखना होगा, और जो FPPAIM है इसको भी आपको पूरा 100 रखना होगा। अब रेड डॉट की सेंसिविटी का आपको 280 से लेकर के 300 के बीच रखनी होगी, 280 से नीचे नहीं और 300 से ऊपर नहीं। और जो 2x वाली सेंसिविटी है, इसको भी 280 से 300 के बीच रखनी होगी, ठीक है। इनका जब बात करते हैं भाई 3x वाली सेंसिविटी के बारे में, इसको आपको पूरी 225 ही रखनी होगी, ध्यान रखना इस वाली को पूरी 225 रखनी होगी। 4x वाली सेंसिविटी सेटिंग आपको नहीं छेड़नी, इसकी पूरी आपको पूरी 200 ही रखनी होगी, जो 4x वाली सेंसिविटी पूरी 200 रखनी होगी। और जो 6x वाली सेंसिविटी है, इसको कहा आपको पूरी 100 रखनी होगी, ऊपर वाली हमने 120 की थी जायरोस्कोप वाली, पर आपको 100 रखनी होगी। और जो 8x वाली सेंसिविटी है, इसको कहा आपको 90 से लेके इसको भी
आपको 100 तक के बीच रखनी होगी। तो गाइस जैसे मैंने वीडियो बताया आपको सेम मैसेज यूज करनी होगी और भाई 1 से 1.5 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी। यकीन माने आपका स्प्रे जोनाथन भाई की तरह होने वाला है। एंड गाइस ये देखो जिसने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे कर देना, उससे क्या होता है जब भी मैं वीडियो लूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चले। तो मिलता हूँ किसी और, तब तक के लिए भाई सब लोग अपना ख्याल रखना, लव यू ऑल, बाय बाय। और भाई सब्सक्राइब भी कर देना।